डिफेंडर ने अपने आदमी को पास कर लिया है, पास करने के मूव कराने की कोशिश, निकलसन से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे, काफी दूर से देख रहे कि कहां पे पास करें, सीधे गोलकीपर की ओर उन्होंने शूट किया, बाकी वहां पे चतर तैयार थे, उन्होंने आसानी से पास को दूसरे छोर तक ले दिया है और यहां पे इसी तरह से बड़ी खूबसूरत तरीके से यहां पे चौथा शॉट ने पास को क्लियर कर दिया है। वहां पे अच्छी कोशिश है, बैक हैंड शूट करने की कोशिश कर रहा था, हल्का सा चुके इसी के चलते चौथा के डिफेंडर की तरफ से मौका बहुत ही ऊंचा बच्चा नहीं तो यहाँ पे गलत डिसीजन हुआ था, क्लोज पास की तलाश में वॉरियर्स के डिफेंडिंग जोन में डिफेंडर द्वारा अच्छी क्लियरेंस से काफी वहां पे पार्क होने की मूव कराने की कोशिश की गई थी, पार्क होने के बाद तो ने न्यूट्रल जोन से अटैकिंग जोन के अंदर हो चुकी है, अच्छी मूव पर वहां पे अच्छी तरह से शूट कनेक्ट नहीं करता, अपने साथी के पास जाने करना चाह रहे थे पर नाकाम रहे, इसी बीच एक बार फिर वहां पे पुलिस के खिलाड़ी द्वारा शूट लगा गया था, जो कि पता चला उनका बच्चा अच्छा मौका यहां पे पूरी के लिए शूट करने की कोशिश पर वहां पे काफी जद्दोजहद चलता हुआ अभी भी बेहतरीन मूव, अच्छी कोशिश यहाँ पे, और एक बार फिर वहाँ पे जो टूर्नामेंट का पावर प्लेयर रहा था वह खत्म हो चुका है, दोनों ही टीम ने यहाँ पे आप ठीक अच्छी प्रयास यहाँ पे अच्छी कोशिश कार्य करनी होगी यहाँ पे, और एक बार फिर वहाँ पे पूरे के खिलाड़ी जोन में दाखिल हो चुके हैं और वहाँ पे हल्का सा यहाँ पे कंफ्यूजन था, यहाँ पे ऑफिशियल्स के स्केट को लगते हुए वहीं पे रुक गए थे, लिहाजा इसी बीच एक बार फिर से पार्क को किया गया यहाँ पर चलता शेंस के डिफेंडर द्वारा, इसी बीच एक बार फिर पाक को लेके आप मूव करना चाह रहे थे पर एक बार फिर वहाँ पे चलता शेंस के डिफेंडर ने अपने कब्जे में आप पाक को ले लिया है, पाक को लेके मूव कर रहे हैं स्टंजन थिलेस द्वारा उनका पास अपने साथी और राइट विंगर के लिए नवम नवम पाक को लेना चाह रहे थे पर वो नस नहीं ले पाए, इसी बीच मूव करना चाह रहे हैं, इसी बीच यहाँ पे पूरे के खिलाड़ी पाक को लेके मूव अच्छा मौका यहाँ पे स्टंजन थिलेस के लिए, और इसी बीच एक बार फिर पुलिस के डिफेंडर ने अपने कब्जे में पाक को लिया था, उन्होंने पाक को आगे धकेल दिया है, और इसी बीच एक बार फिर पाक अभी पुलिस के डिफेंडिंग जोन में काफी दूर से उन्होंने पाक को अच्छा काम कर यहाँ पे दोनों ही डिफेंडरों द्वारा अपने ही नेट के पीछे से पाक को घुमाते हुए अपने साथी के लिए उन्होंने पास तैयार किए, पर वहाँ पे राइट विंगर पाक को लेने में सफल रहे, इसी बीच एक बार फिर वहाँ पे पाक को लेकर मूव करना चाहे थे, इसी बीच एक बार फिर बेहतरीन कोशिश यहाँ पे पूरी के लिए काफी दूर से एक शूट लगा गया, यहाँ पे स्नैपशॉट लिया गया था, पर एक बार फिर वहाँ पे पाक को लेकर पूरी के खिलाड़ी मूव कर रहे हैं, बेहतरीन मूव यहाँ पे एक बार और एक शूट लगा गया, पर यहाँ पे एक पाक उछाल के वहीं से बाहर, और इसी के साथ को लेके मूव कर रहे आगे पीछे मूव कराने की कोशिश पर इसी बीच एक बार फिर वहां पे चौथा गिर के लगता है, पाक को लेके मूव करना चाह रहे थे पर वहां पे उनको वही रोक दिया गया है, इसी बीच एक बार फिर वहां पे आप चौथा शेर के खिलाड़ी द्वारा काफी दूर से एक शूट लगा गया था, इस शूट की कोई जरूरत नहीं थी, अलबत्त ये पाक को लेके यहाँ पे पूरे के डिफेंडर्स मूव करना चाह रहे हैं, नवाज हुसैन जो की टीम के कप्तान भी हैं, इसी बीच एक बार फिर वहां पे और एक मूव लेके यहाँ पे आ रहे हैं चौथा शांस के खिलाड़ी, एक शूट लगा गया था यहाँ पे, काफी
काफी अच्छी कोशिश यहां पंजाबों द्वारा क्लियर कर दिया गया है। किसी भी जिम्मेदारी आप पाक लेके हमें एक एक पीछे से घुमाते हुए किसी भी जिम्मेदारी को हाथ में आप चंदा शांति खिलाड़ी पाक लेके वो खिलाने की कोशिश करता था तो हाथ में पूरी के डिफेंडर मौजूद थे बहुत ही उम्दा बचाव व्यवहार से जो के तो आप सबसे दिवास है कि आप लोग इस मैच को देखने के लिए जरूर तशरीफ लाइए रखिएगा। किसी भी जिम्मेदारी पाक लेके मूव करना चाह रहे थे खेला जा रहा है। ये काफी ये दूसरा पीरियड जाता हुआ और एक शूट डाला गया था चप्पा द्वारा पार्टी थी एक्यूरेसी नहीं थी इस शूट में लिहाजा अपने एग्जीक्यूट की गई थी और यहाँ पे आइसिंग फोन कर दिया गया है रेफरी द्वारा क्योंकि चप्पा का एक स्लैप शॉट डाला गया एक बार फिर वहाँ पे द्वारा बड़े खूबसूरत इसी बीच काफी वहाँ पे आप पूरी खिलाड़ी अटैक चुके हैं काफी दूर से एक शूट डाला गया और ये बार छाती हुई रिंग से बाहर। अब एक बार फिर वहां पर रेफरी ने अपने कब्जे में एक बार ले लिया है एक मिड जोन में फेस ऑफ लिया जाएगा। इसी बीच एक बार फिर यहां पे आ पाल लेंगे और यहां पर चलता के खिलाड़ी आगे बढ़ते हुए अटैकिंग जोन में दाखिल हो चुके हैं। बार वहां पे डिफेंडर द्वारा बहुत ही बड़ा बचाव नवाज खड़े थे उन्होंने पाक को दूसरे छोर धके दिया एक फिर नवाज के कब्जे में पाक और इसी तरह से वहां उन्होंने पाक को क्लियर कर दिया। यहां पे पाक को लेके आगे मैच बराबरी पे पहुंच चुका है। इसी बीच एक बार फिर वहां पे आप पाक को लेके जनता के खिलाड़ी मूव करना चाह रहे हैं अच्छा मौका पर तब तक वहां पे जनता शांत के डिफेंडर ने अपने कब्जे में पाक को ले लिए हैं। अपने मतदान के लिए उन्होंने पास छपती हुई पाक को ले नहीं पाई। इसी बीच एक बार फिर वहां पे बेहतरीन बहुत खूबसूरत पास एग्जीक्यूट की गई वहां पे और एक बार फिर वहां पे सुंदर बचाव डिफेंडर द्वारा चंदा के लिए एक अच्छा मूव यहां पे एक बार फिर एग्जीक्यूट की गई थी। इसी बीच एक बार फिर वहां पे आप पाक को ले रहे हैं मोहम्मद अली जो टीम के असिस्टेंट कैप्टन हुए। इसी बीच एक बार फिर वहां पे चंदा के खिलाड़ी पाक को लेने की काफी जद्दोजहद यहां पे करते हुए यहाँ पे पूरी के खिलाड़ी आगे बढ़ते हुए अटैकिंग जोन के ऊपर वहाँ पे ऑफसाइड का इशारा रेफरी द्वारा क्योंकि चंपा है रॉयल एनफील्ड सुपर लीग आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 मेंस कैटेगरी का ये पहला सेमीफाइनल मैच पूरी वॉरियर्स वर्सेस चैंपियंस के दरमियान ये मैच खेला जा रहा है। गेम का ये दूसरा पीरियड चलता हुआ अभी तक का स्कोर 1-1 दोनों ही टीमें ने गोल लगने में कामयाबी उनको मिली है। बहरहाल एक बार फिर यहाँ पे आप चैंपियंस खिलाड़ी लगा गया था यहाँ पे लुटो के द्वारा एग्जीक्यूट की गई थी पूरी की जानिब से। बहरहाल एक बार फिर वहां पे आप पाक को लेके मूव कराने की कोशिश इसी बीच एक बार फिर वहां पे आप पूरी वॉरियर्स ने अपने कब्जे में ले लिया है बेहतरीन बचाव यहां पे नवाज हुसैन द्वारा और यहां पे रेफरी द्वारा ये मिसिंग रॉयल एनफील्ड
सुन पढ़ ली का ये पहला सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा है पूरी वॉरियर्स वर्सेस चंपा शान के दरमियान गेम का ये दूसरा पीरियड चलता हुआ अभी तक का स्कोर 1-2 चंपा शान 2 पूरी वॉरियर्स 1 कोडियो का मैच यहां पे सभी खिलाड़ियों द्वारा देखा गया खिलाड़ी मौजूद थे इसी बीच एक बार फिर टीम के कप्तान प्राप्त को लेकर मूव कराने की कोशिश अपने साथी के लिए उन्होंने पास वहाँ पे इसी बीच पूरी के खिलाड़ी दो नंबर के जर्सी में नवाज हुसैन इसी बीच प्राप्त को लेकर आगे बढ़ना चाह रहे पर तब तक एक बार फिर वहाँ पे आप पूरी के खिलाड़ियों द्वारा अच्छा तालमेल एक बार फिर टीम के कप्तान प्राप्त को लेकर सजाग आगे बढ़ रहे हैं बेहतरीन इसी बीच एक बार फिर वहाँ पे बेहतरीन क्रॉस पास कर वहाँ पे उनके खिलाड़ी अपनी जगह से दूसरे छोर निकल गए थे लिहाजा पहले अटैम में पास को ले नहीं पाए इसी बीच एक बार फिर अपने डिफेंडर के हाथ में पास को सौंप दिया है एक बार फिर नवाज द्वारा क्लियर कर दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा कम से कम वर्सेस हमास वॉरियर्स के दरमियान आज यहाँ पे अच्छा मौका चंपा शांस के लिए अटैकिंग जोन में दाखिल हो चुके हैं राइट विंग के क्षेत्र से क्रॉस पास करने की कोशिश पर यहाँ पे बहुत ही उम्दा बचाव यहाँ पे इरफान अली को इसी के साथ एक बार फिर यहाँ पे आप फेस ऑफ के बाद एक बार फिर अच्छा मौका यहाँ पे चंपा शांस के लिए यहाँ पे पर नवाब हमचुक द्वारा एक शूट डिफेंडर्स के डिफेंडर्स को छीनने काफी हद तक कामयाबी मिली है और आपको दूसरे चोट तक के लिया गया है ये एक बार फिर वहाँ पे चंपा शांत खिलाड़ी द्वारा है यहाँ पे पूरी के खिलाड़ी लेते हुए टीम के कप्तान सज्जाद ने एक पास एग्जीक्यूट की थी वहाँ पर है टिकट के पास में वहाँ पे काम को ले नहीं पाए एक बार फिर वहाँ पे कप्तान काम को लेकर मूव करना चाह रहे हैं वहाँ पे इशारा क्योंकि उनके खिलाड़ी पाक से पहले ही अटैकिंग जोन में दाखिल हुए थे लिहाजा वहां उनको रोक दिया गया है हॉकी सुपर लीग 2024 का ये पहला सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा है पूरी वॉरियर्स वर्सेस चंपा शान के दरमियान गेम का ये दूसरा पीरियड चलता हुआ अभी तक का स्कोर 2-1 चंपा शान 2 पूरी वॉरियर्स 0 एक बार फिर वहां पे आप पाक को लेकर मूव करना चाह रहे पर तब तक वहां पे डिफेंडर चंपा के खाका सा कंफ्यूज हुए एक अच्छा मौका यहां पे पूरी के लिए शूट जरूर दागा गया था पर शूट में जान नहीं थी लिहाजा एक बार फिर वहां पे बेहतरीन मूव अच्छी कोशिश यहां पे पाक को लेकर आगे मूव करना चाह रहे पर तब तक वहां पे चंपा के खिलाड़ी कोशिश करने ने काफी दूर से एग्जीक्यूट की गई थी पर वहां पे आईसी फोर डिफेंडर द्वारा चंपा शान के एक बार फिर यहाँ पे राइट विंगर द्वारा न्यूट्रल जोन से शूट दागा गया उसी उनका क्लियरेंस वहाँ पे उनका बचाया वहाँ पे डिफेंडर द्वारा और एक शूट दागा गया था वहाँ पे खूबसूरत बचाव वहाँ पे इरफान अली Thank you.
प्लेयर अवार्ड जाता है शिवांग नमग्या मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर आई थैंक यू वेरी मच। कल ठीक 10:30 बजे रॉयल एनफील्ड आइस हॉकी लीग का